रांची से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिला के हुयूर गांव में एक ऐसा सितारा जो कभी देश का नाम रोशन किया करता था, आज बेरोजगारी के आलम में दम तोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं गोपाल भेंगरा जी की, जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया था और सेना से ही उनका सिलेक्शन हॉकी में हुआ था। हम आज आए हुए हैं उनके घर और उनके धर्मपत्नी और बेटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आलम था कि उन्हें पत्थर तोड़ने तक क्या भी नौबत आ गया था। अर्जुन जी, आप बताएं कि ऐसा क्या कारण हो गया था कि गोपाल जी को पत्थर तोड़कर घर चलाना पड़ रहा था। कारण तो बहुत बड़ी है सर, क्योंकि जो गौरव प्राप्त किए हैं पापा, उस हिसाब से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए था। जैसे पापा रिटायर आए तो उन्हें नौकरी देना चाहिए था। नौकरी की कमी के कारण पापा को मजबूरन दूसरों के खेत में मजदूरी का काम करना पड़ा, प्लस जो पत्थर तोड़ना वो आम बात नहीं है, वो पत्थर तोड़ने का काम भी किए, क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पढ़ाना था, अच्छी शिक्षा देना था, अच्छी मार्ग उन्हें अच्छा रास्ता दिखलाना था, यही कारण थी। तो कभी उन्होंने फिर नौकरी के लिए अप्लाई किया, कहीं से उनका कोई जवाब मिला? नौकरी के लिए अप्लाई किया था दुर्गापुर सिक्योरिटी गार्ड के लिए, पर वहाँ भी सही पैसा सही पेमेंट नहीं मिलने के कारण पापा पुनः घर आए और फिर वही मजदूरी करना, फिर वही पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। एक तरफ जहाँ वो देश का नाम गर्व करवाएं देश को, और दूसरी ओर जहाँ सरकार अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे सरकार से? ध्यान तो नहीं दे रही है सरकार, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच पापा नहीं रहे, इसका खेद है, पर हम प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, और सरकार से यही चाहते हैं कि जो हाल पापा के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जब जो पूर्व खिलाड़ी की स्थिति को देखकर वो उन्हें खेलने का रुचि नहीं होगा, क्योंकि सरकार उन्हें ख्याल नहीं करती है, उनकी कमी घटी को पूरी नहीं करती है। पर आज हम चाहते हैं केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से कि आज हमारे बीच पापा नहीं है, और जो जिम्मेदारी हमारे बीच छोड़ के गया है, और परिवार को चलाना है, मुझे विशेषकर मुझे चलाना है, पर आज मैं खुद एक बेरोजगार हूँ और बेरोजगार के कारण मैं परिवार को चला नहीं पाऊँगा, पर सरकार से यही है, चाहते हैं कि सरकार कोई अच्छी सरकारी जॉब दे ताकि मैं अपने परिवार को सही तरीके से आगे चलाने पाऊँ। पापा जब आखिरी सांस ले रहे थे तो कोई भी सरकारी ऑफिसर या फिर कोई भी मंत्री नेता किन्हीं ने भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? जब पापा हॉस्पिटल में थे तो कोई सरकार के लोग, सरकारी अधिकारी लोग पापा से मिलने नहीं आए, वही कारण है कि पापा को सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, और सही जो हॉस्पिटल बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल अगर ले जाने का प्रयास किया होता तो पापा शायद आज हमारे बीच में होते, पर जो सुविधा और जो सुख नहीं मिलने के कारण आज पापा हमारे बीच नहीं रहे, और कोई सरकारी अधिकारी लोग हमारे बीच हमें देखने वहाँ नहीं आए। ये थे अर्जुन भेंगरा जी, जिन्होंने बता रहे थे कि हमारे पिताजी को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, अगर सरकार सजग होती तो आज उनके पापा इस दुनिया में रहते। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कितनी तकलीफ हुई है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? तीजन। कितना तकलीफ हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है? तकलीफ तो हो रहा है, लेकिन कुछ सरकार ध्यान नहीं दे रहा, सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। आप खिलाड़ी कर धर्म पत्नी हो के आप, मैं बोल रहा हूँ तो देश के लिए कितना खेला और खेलने में उसी को रुचि, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे, ध्यान देते तो परिवार चलाने के लिए आसान होता, और बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए भी कुछ पढ़ पाते, कुछ ध्यान नहीं देता तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा ना कुछ देख पाए, मैं दूसरा का खेत में कमाने पड़े और दूसरा कर
खेत खरियान में काम करके परिवार चलाने पाए और मुझ पर में पखना तोड़ के भी परिवार चलाने। आज बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे का करे पर खेत काम कर रहे हैं। और दूसरा चाहेंगे सरकार से? बेटे को कुछ नौकरी दे दो का सरकार की ओर से और घर चलाने के लिए कुछ पैसा मिल जाओ, सरकार ध्यान दे। इनका कहना साफ है कि गुमनामी की राह में जो इनके पति थे वो तो कहीं ना कहीं खो चुके हैं, मगर सरकार अगर अब भी ध्यान देती है तो इनके घर की जो हालात है वो कहीं ना कहीं सुधर सकती है। चंदन सिन्हा, ABP न्यूज, रांची। ABP न्यूज आपको रखे आगे।